तो गाइज इंडियन नेवी डबल ए SSR के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल कोड यूज़ करते हो जो कि ये दिया है IndianV40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये केवल पहले 100 यूजर्स के लिए। तो जाओ जल्दी से परचेज करो, लिंक मैं आपको और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? थंबनेल में आपने देखा होगा टिकटॉक वगैरह लिखा है, तो मैं अगर आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ थंबनेल के माध्यम से, तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूं, वो है डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका मतलब आप समझ लेना, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप एग्जाम में जब जाओगे तो इसका मतलब आप समझ जाओगे। अब मैं आपको समझाने बैठूं, फालतू में ज्ञान दूं, तो आप भी चिढ़ोगे कि यार क्या फालतू का ज्ञान दे रहा है, पढ़ाने आया पढ़ा, है ना? तो चलते हैं फिर, हम पढ़ाने आए तो पढ़ाते हैं आपको। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। इस क्वेश्चन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इसका जो सही जवाब है काफी लोगों ने बताया था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब एक क्वेश्चन पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, भारत द्वारा छोड़ा गया जो प्रथम उपग्रह था वो कब छोड़ा गया था, तो अगर अभी तक आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगी, यहाँ पे आई बटन पर चेक करना, यहाँ पे काफ़ी सारी टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज होगी, वो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु यहाँ पे किस होगा, किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुई। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, कोलंबिया, डिस्कवरी, स्पुतनिक या फिर अपोलो। तो इसका सही जवाब है आपका कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है गाइज, निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, पीयूष चावला या फिर विक्रम साराभाई। तो निम्न में से जो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री है वो है आपके राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है, अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा था, प्रथम कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया, लूना 1, अपोलो 11 या फिर जेमिनी 8 या फिर स्पुतनिक 1। तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पुतनिक 1, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति पूछा गया है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है और गाइज इसका जो सही जवाब है वो है आपका यूरी गैगरीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था, यूरी गागरीन, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 है गाइज, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और पूछा जाता है, ठीक है? इसी तरीके के दो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। पहला ये है कि आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद। तो गाइज इसका जो सही जवाब है वो है आपका तिरुवनंतपुरम, ठीक है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, चार ऑप्शन है यहाँ पे भी, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा। तो ये है आपका श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखो 108। तो इसका जो सही जवाब है वो है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया जो प्रथम पूर्णता शैक्षणिक उपग्रह है वो कौन सा है। तो चार ऑप्शन है और देख लो, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका एडुसेट, ठीक है? निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णता शैक्षणिक उपग्रह वो है आपका एडुसेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109 देखना, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैटसेट, कार्टोसेट, एडुसेट या फिर हैमसेट। तो चार ऑप्शन है पिछले क्वेश्चन के तरीके, बट इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैटसेट, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो चार ऑप्शन है, 24 अक्टूबर 1945, 24 सितंबर 1945, 24 सितंबर 1946, 24 अक्टूबर 1946। तो जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर को, ठीक है? 24 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 111 देखना, क्वेश्चन नंबर 111 है गाइस, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि देखो आप, हो सकता है कभी कभी आप सिर्फ इतना याद कर लेते हो कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है? अब इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दो इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं, 24 अक्टूबर 1945 और 24 अक्टूबर 1946। अब अगर आप सिर्फ इतना याद करके गए तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि 45 होगा 46 होगा, तो इसलिए पूरा याद रखना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो सभी को
पता होगा आप में से, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, क्वेश्चन नंबर 112 है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, त्रिग्वेली, डैग हैमरसोल्ड, यूथांत या फिर कुर्त वल्दीम। तो देखो जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे वे थे आपके त्रिग्वेली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखो, क्वेश्चन नंबर 113, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस अंग की है, उस अंग का जो नाम है गाइज वो है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश कौन कौन से हैं? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वीटो प्राप्त देश अगर आपको पता है, सभी याद हैं, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, आप 100% कर दोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से लिखे हैं, लिखा है अमेरिका एवं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा, ये दो दो ऑप्शन दिए हैं, दो दो, तो ये आपको लग रहा होगा कि या तो ये सही है या तो ये या फिर ये। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं लग रहा होगा, है ना, क्योंकि आपके इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी दो ऑप्शन दिए हैं और इसमें एक दिया है। तो इसका जो सही जवाब है गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश है वो आपका अमेरिका भी है, रूस भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है और चीन भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, क्वेश्चन नंबर 115 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, कबीर के गुरु कौन थे? अब ये मत सोचना कि अभी हिंदी का क्वेश्चन है, ये आपके जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि कबीर के गुरु कौन थे, रैदास थे, रामानंद थे, दादू थे या फिर नामदेव थे। तो इसका जो सही जवाब है गाइस आपने दिया होगा रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 है, जो आपका कम्युनल अवार्ड है वो किसने प्रस्तुत किया? तो कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया, क्लीमेंट इटली ने, विंस्टन चर्चिल ने या फिर मार्गरेट थैचर ने या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड ने? तो आपका जो कम्युनल अवार्ड है वो आपका प्रस्तुत किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885, उसमें सीधा मैंने आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, क्वेश्चन नंबर 119 है, कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको पढ़ाए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो बताइए कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है, मेघों का घर, पूर्व का स्कॉटलैंड, भारत का पेरिस या फिर डायमंड हार्बर। मैंने आपसे बताया था इस टाइप के जितने भी जो भी टॉपिक्स है इतनी बार आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि रट जाएंगे। तो आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होगे ये क्वेश्चन, कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है, एक बार फिर से आया कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है आपका कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, इंग्लिश में आप सभी को पता होगा, अगर आपसे बोल दिया जाए पिंक सिटी कैसे कहते हैं तो आपको याद हो गया तुरंत, है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं गुलाबी नगर में या गुलाबी शहर में। तो पिंक सिटी सभी को पता होगा, जयपुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121 आपका कनाडा की राजधानी। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं इतना ये नहीं कहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा एकदम टफ है, इंपॉर्टेंट है, धांसू है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल वीडियो है, बाकी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है थोड़े बहुत। 121 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी है, लास्ट के 5 इंपॉर्टेंट है, कनाडा की राजधानी आपको बताना है, रोम, टोक्यो, मॉस्को या फिर ओटावा। तो कनाडा की जो राजधानी है गाइज वो है आपकी ओटावा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, ब्राज़ील की मुद्रा। जितने भी करेंसी से क्वेश्चन है, कैपिटल से क्वेश्चन, आपको तोता की तरह रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है 100%। तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो रियाल है, यूरो है, क्रोन है या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो गाइस जो आपकी ब्राज़ील है उसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो आपकी रियाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 है, ईरान की भाषा आपको बताना है, पूछ लेता है गाइस, ऐसा नहीं कि आपसे कैपिटल करेंसी ही पूछे, कैपिटल करेंसी के साथ साथ लैंग्वेज भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, तो ईरान की भाषा बताना है आपको, चार ऑप्शन है आपके पास, डच, स्पेनिश, फारसी, अरबी। चलो सभी को जवाब देना है 123 का, आपको क्या सही लगता है।
तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है ईरान की जो भाषा है वो है आपकी फारसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपका फारसी, तो ईरान की भाषा आपकी फारसी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 5 दिनों में हम इसको तीसरी बार पढ़ रहे हैं। एक बार मैंने और पढ़ाया था जब एक्चुअल इसी पे वीडियो बनाई थी मैंने, और एक कल पढ़ाया मैंने, एक आज ही पढ़ाया सुबह मैंने करंट अफेयर की जब वीडियो दी, और एक आज वह आ गया कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो मुझे इतना पता है कि एग्जाम में अब अगर ये क्वेश्चन आया तो आप भूलोगे नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हेमंत सोरेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है, भारत कोकिला किससे संबंधित है। सरोजिनी नायडू से, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, फिर जयप्रकाश नारायण से। तो गाइस जो आपकी भारत कोकिला है वो किससे संबंधित है, सरोजिनी नायडू से। सरोजिनी नायडू जी का उपनाम है आपका भारत कोकिला, उपनाम मैंने आपको पढ़ाए थे और ये भी आप। तो गाइज़ ये थे 25 क्वेश्चन आज के इस वीडियो के, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत धांसू वीडियो थी, खतरनाक वीडियो थी। जैसी भी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।